आज अगर आप यहां पर बैठे हुए हो तो आपका दृष्टिकोण केवल एक ही होने दो, अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हो तो आप क्या कर रहे हो उन चीजों के लिए, आप उन चीजों के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप 24 घंटा सोने वाले लोग हैं और आपको लगे, आप ऐसा सोचते हो कि प्रभु आकर आपको इस्तेमाल करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी भी आलसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरे बाइबल में भी नहीं है और पूरे इतिहास में भी नहीं है। परमेश्वर किसी भी आलसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके अंदर जो भी कमियां हैं होने दो कि वो सारी चीजों को आप प्रार्थना में उंधेलो। इन दिनों में आप अगर परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो सेवकाई करने के लिए खास करके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समर्पण करो कि प्रभु आप मुझे बताओ, प्रभु आप मुझसे बातें करो, प्रभु आप क्या चाहते हो, प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप इसे जानने का प्रयास करो। अगर आप उन सारे चीजों को साइड में रखकर बहुत सारे घाव, बहुत सारे चोट, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे बातें जो लोगों ने आपके बारे में कहा है, अगर आप इन सारी चीजों को लेकर अगर हर दिन अपना जीवन जियोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप हमेशा नाराज रहोगे, आप हमेशा संघर्ष में रहोगे, परेशान रहोगे, अकेले में रहोगे, और आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आप जो है बहुत सारी अच्छी चीजों को करें, लेकिन ये सारे घाव जो है आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे।